मतलब सिंपल करता हूँ, पेज 16 सिंपल है, आप उसको कॉम्प्लिकेट करें। नहीं नहीं सिंपल करता हूँ सर, वो सवाल जरा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसका जवाब आप कमजोर जजों को भी साथ साथ लेके चले ना। पेज 16 है, अगर 16 अगर चीफ जस्टिस और सीनियर पीनी ये तासुर दे रहे तो पता नहीं हमारा क्या होगा। मैं ये जो 2024 की जो बलूचिस्तान से नेशनल असेंबली की सीट्स आई हैं, दिस एक्चुअली रिस्पॉन्ड्स टू द क्वेश्चन, एड्रेसेस द क्वेश्चन नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ इंडिपेंडेंट बट टू द एक्सटेंट ऑफ वोटर्स रिप्रेजेंटेशन व्हिच यू रेज्ड। नाउ लेट्स लुक एट पेज 16। मगर इससे पहले बता तो दें, मैं कहूँ सारों को जोड़ो तकसीम करो ये करो वो करो, रीजन क्या आप कर रही है? सिंपल सर, द रिजर्व सीट्स मस्ट नेसेसरीली ऑल के स्टूडेंट को समझाते जिस तरह उन्होंने कहा, वो ये है कि अगर क्लास 6 मेरे लिए नहीं नहीं ऑन अ लाइटर नोट, मतलब आसान जबान में मेरी प्रॉब्लम ये है और शायद हम क्लियर हो जाएं कि अगर इसकी कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एक पार्टी जिसके पास 10 वोट होने चाहिए 15 चले जाएंगे, उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। सो हम ये कह रहे हैं जिसका जो हक है उसको वो मिलना चाहिए, हम हक को फर्क समझ रहे हैं। आप अभी समझा रहे हैं, मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो हक की जो बेसिस है ना, वो बेसिस जो है वो उसको नहीं वर्क करता है, समझाना है वो समझना पहले जरूरी है कि ये मुझे बता दें हक क्या मतलब है, हमें आइन देखना है। जी वही, और वो जब आपने जब भाग कर दिया इसका मतलब आपने आधा फैसला कर लिया। अगर आप अपने सबमिशंस दे दें, लीव द कैलकुलेशन फॉर, बस मैं सिंपल आपको ये कह रहा हूं, सबमिशंस दे दें कैलकुलेशन इलेक्शन कमीशन ने, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है वो नहीं तो बात किसी ने रेज भी नहीं की। नहीं मैं सिर्फ आपको सिंपल ये बता रहा हूं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द बेसिस ऑफ जनरल सीट्स is to be worked out to ensure that all 60 seats are filled in, and the only method to do it is to exclude the independents but for what is provided in the proviso. So let me ask you, who have joined, find a political party, to the tally of political parties, rest of them have to be excluded, otherwise the seats will not be filled. So when in a situation like the present one, when there are more independents and there is confusion over the status of those independents, those votes will those seats will all be excluded, because at the end of the day it's the election commission that said that these people are independents, and it's the election commission that declared that they cannot join a political party and that SIC is not a political party. So as per your formula, once the election commission has declared all of this, all these seats now are to be excluded, and only the seats of which members are those independents that have joined a political party that you are including. I mean, wo calculations to hai nahi hamare samne. And it appears that then the formula is left in the hands of the election commission to do as they choose. Jisko independent bana de, kisi ko political party bana de, because that's what we've been hearing over the last few days. Uska jawab bhi aa jayega aapko. Ek cheez main complete karke then I'll respond to this question. Kya independents in independents ne उस इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज किया या उन्होंने खुद एप्लीकेशन दी कि वो इंडिपेंडेंट? नो सर, द इंडिपेंडेंट सामने है भी। सो उनका केस तो ये है दैट वी हैड जॉइंड अ पॉलिटिकल पार्टी अंडर द प्रोविजो एंड दैट पॉलिटिकल पार्टी शुड बी ट्रीटेड एंड बाय वर्चू ऑफ जॉइनिंग दैट पॉलिटिकल पार्टी। उन इंडिपेंडेंट में से कोई आया हमारे सामने? नहीं आया सर, एंड दो कॉन्सिक्वेंसेज वो आपसे मांग रहे हैं। जो दो बात हुई है, द केस एज मेड आउट एंड सेट आउट बिफोर यू, वन इज आप इसमें आए, ये जो आप हमें पेज 16 पे पैरा 22 दिखा रहे हैं, now if I understand, I've read your para, and of the 4 seats are reserved for women in Balochistan province, if I understand your para correctly, 2 go to BMNN and 2 go to JUIP, is that right? No sir, no. 2 go to PMLN, 1 goes to JUI and 1 goes to People's Party. And the reason for that is that मैं जो अभी आपके सामने जो केस सेट आउट हुआ है वो ये है कि these independents they claim to have joined a political party and they have requested or asked your lordships to overturn Peshawar High Court's judgment because by joining this political party their status as an independent ceases to exist and consequently
Sunni Ittehad Council claims that by virtue of these independents joining Sunni Ittehad Council, Sunni Ittehad Council now becomes entitled to reserve seats, and the logical consequence of that is that because they, according to them, because they are no more independents, therefore for the purposes of working out percentum share of each political party, Rule 95-2's proviso will kick in as opposed to the rule itself, which is that independents should not be excluded for the purposes of working out that formula on the basis of which proportional representation is to be worked out. If you take the example of, and on the basis of a hypothetical, that if their case is accepted as it is, there are still 8 members who have retained independent status. Now, going by what Justice Shah has observed, that why exclude independents? Where is this coming from? You look at, and I'm now just making a province-neutral sort of example. We'll have to go into the exact numbers, which is to say that how many of these 8 belong to which province, and it will have a consequence over the seats which are allocated to each province. But let's assume that the total is 266, the general seats. And 8 members have retained independent status. Sorry, I want to raise this question because I'm not getting, I think calculation is so critical for this. And I again go back to one hypothetical example which disturbs me, which is very simple. One political party has made it with 5 votes from each province and federal capital area. So they have 1 vote each from all these 5 places. And four that's places. One political party. नहीं फाइव हो गए ना जी फेडरल पंजाब की तो है चार सूबे और एक हो ठीक हो गए एक पॉलिटिकल पार्टी आई बाकी सब इंडिपेंडेंट्स हैं एक पॉलिटिकल पार्टी है उसके 5 सीटें हैं उसके पास सो आप उसको आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक 70 इसको मिल जाएंगे यही है ना जी सो दैट डिस्टर्ब्स मी के 5 उसके पास वोट हैं सारे ही असेंबली में और आप उसके पास 75 हो जाएंगे वैसे अगर आप परसेंटम कैलकुलेट करें तो उसको 4-5 और मिलेंगे तो 10 हो जाएंगे नो ये बात समझ नो नो व्हेन यू लुक एट रूल 94 यू आर डिसरेगार्डिंग रूल 95-2 नो नो मैं 290 में जाए मैं तो 51 से ड्रॉ कर रहा हूं नो नो आई एम जस्ट सेइंग हाउ डज दिस अपीयर टू यू दैट दिस पॉलिटिकल पार्टी विल गेट 70 वोट्स हु हैज सिक्योर्ड 4 वोट्स इन द असेंबली दिस टेल्स मी इज दैट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव रिजेक्टेड political parties they now have returned independent candidates and they what they want now is that these reserve seats which are actually to be filled in through political parties do something about it mujhe baat bataye through constitutional amendment should we want to bring it ek baat bataye ki abhi jo kyunki paragraph mein likha hua hai jisme aapne examples mein diya hai ki reserve seats for allocated to a province then the general seats allocated to that province which political party wins how many seats out of that and then you have the independents so if any independents join a political party in terms of the proviso then you have to see which of those independents were from province A which were from province B necessarily yes so yes. therefore just to have clarity for myself suppose Islamabad capital territory which has 3 seats returns 3 independents right And let's suppose those 3 independents join within the 3-day period, join political party X. Then, for purposes of calculation, notwithstanding that ostensibly in terms of the proviso they have joined political party X, when you are calculating the ratios for the reserved seats, actually these 3 tend to of these 3 candidates will not count. Yeah. वो जो आपने क्वेश्चन किया था ना क्लैरिटी जी जी वो बिल्कुल ऐसी नो नो सर अभी तो मेरे ख्याल में अगर आप आई नीड टू 96 अगर पढ़ ले आर्टिकल 59 उसमें जरा क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 59 इज अबाउट सेनेट इलेक्शन जी उसमें मेंबर्स ऑफ द असेंबली का जिक्र है जी उसमें ये नहीं लिखा है members of the political party secured general seats aap zara padh le dono mein aapko difference nazar aayega ji which clause of the note is referring to 59 which clause Jani general sir may I request one speaking for myself may I request that since you don't have it with you and 2018 you know and maybe tomorrow you can bring it and
lastly, maybe, you know, we are just stuck here, and you walk us through 2018 and you match it with the paragraph and with the rules, and you tell us, look, this confirms my understanding of the rules, this is how it's applied. So we'll have an undisputed historical record before us, and then if we have questions, because here I think we just seem to be... No, we can do two things. I'll bring the 2018 and... पहले हमें कर दें कल एक without और एक उसके दोनों मॉडल I'll bring नए वाले का भी ले आइए ना जो अभी latest I'll bring जी बिल्कुल ठीक I'll bring 2018 क्योंकि आपकी सारी submissions are linked to this जी तो आप कल फिर मेरे ख्याल में कल इसको this particular submission is excluding it without excluding हम 59 आप कितना वक्त और लेंगे कितना वक्त लेंगे सर मैं मेरा ख्याल है गोइंग बाय दिस स्पेस आई थिंक आई माइट टेक अनदर आवर एक चीज जो मुझे बड़ी जिसकी तशवीश है और मुझे किसी ने भी जिक्र नहीं किया है अभी तक और मुझे उम्मीद थी आप करते मगर अभी तक शायद मैं पहुंचा नहीं हूं बट मैं शायद आप करें शायद ना करें देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक काम है हुकूमत का एक काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हकीर इदारा नहीं है ना मातहत इदारा है आपके ना सुप्रीम कोर्ट के ये कोई बात ही नहीं कर रहा है हमारा आईन जो पाकिस्तान जिन्होंने बनाया है उसमें 12 हिस्से हैं उसमें एक हिस्सा इलेक्शंस के मुतालिक है जो वो दो चैप्टर्स पे मुश्तमिल है ये सारी जिम्मेदारी ये सारा काम करना इलेक्शन कमीशन का है अब इलेक्शन कमीशन कभी एक चीज करे कभी दूसरी चीज करे ये तो दिखाना होगा कि इसने ये गैर आईनी चीज की है तब मैं अपने इख्तियार इस्तेमाल करूंगा उसके खिलाफ मैं समझता हूं इलेक्शन ऐसे होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कहिए आपका काम नहीं आप अपना काम करें हमें अपना काम करने दीजिए अगर आप समझते हैं हमने कोई गैर आईनी चीज की है गैर कानूनी चीज की है आप बिल्कुल मुदाखलत करें अगर ये जो हम ग्रेटर प्रिंसिपल्स की जो बात करने लगे हैं तो सबसे अहम प्रिंसिपल तो ये हर शख्स को अपना या हर इदारे को अपना काम करना चाहिए अब उन्होंने ये उनका काम है ये किसी को इस पर स्ट्रेस नहीं कर रहा है कि ये उनका काम है लेकिन हम इतनी बारीकियों में हम चले जाते हैं जैसे मैं पहले कोर्ट बन गए इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है आईनी इदारा है और इसकी अहमियत समझते ही नहीं कोई इस इदारे की अगर इलेक्शन में लोअर लेवल पे धांधली हुई जब तक हमारे पास कोई तरीके से केस नहीं आएगा हम उनके बैठ करके नजरसानी नहीं करने लगे तो हर इलेक्शन पाकिस्तान में यही होता है हर कोई उसको जो भी इलेक्शन होता है वो आज तक किसी ने नहीं कहा ये बड़ा सही इलेक्शन हुआ है वो जब जो जीतने वाला समझता है सही है जो हारने वाला कहता है जी बिल्कुल गलत है तो क्योंकि हम इदारों की तो कदर ही नहीं करते हैं बस हम और कौन अपॉइंट करता है इनको इनका तो चले जजेस का तो आप कह सकते हैं जुडिशियल कमीशन का काम है ये तो दोनों सियासी पार्टी जो एक ऑपोजिशन में होता है एक गवर्नमेंट में होता है वो बैठ के करते हैं इनको चुनते हैं तो ये जरा अगर हम इतनी वो देख रहे हैं ना होलिस्टिक चीज तो फिर ये भी देखिए कि इलेक्शन कमीशन क्या चीज है हम बेशक मेरा हो सकता है मैं बहुत सारी चीजों में उससे इख्तलाफ करूं मगर मैं उसी वक्त इंटरफेयर करूंगा जब मैं समझूंगा कि अब वो आईन या कानून से हट चुके हैं बस ये इसको अगर आप जरा कोई किसी ने मुझसे ये बात आज तक इस केस में तो नहीं की है और ना इलेक्शन कमीशन में हर चीज हम आ जाती है पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में भाई इलेक्शन कमीशन ने गैर आईनी की है बिल्कुल हम उसको उड़ा देंगे तो ये जरा आप नजर रख अगर इस पे भी अगर आप कमेंट करना चाहें या नहीं अभी ना करें अगर क्योंकि ये जो आप हमें कैलकुलेशन देंगे दिस विल बी द कैलकुलेशन ऑफ कमिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस इज नॉट नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट 27 है सर आप नहीं हाउ कैन यू सब्स्टिट्यूट द पार्टी को देना चाहिए यू सी इट हैज टू बी द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं वो होना चाहिए मैं तो 27A में हूं ना तो मैं दोबारा आप पूछ लीजिएगा नहीं पूछना नहीं आप वो आप बना ही नहीं सकते ये आपका काम नहीं है ये जो जो आप जो ये हमारे लिए दया साहब मेरी बात को आगे लेके चल रहे हैं आप नहीं कर सकते नहीं सर नहीं कल इलेक्शन कमीशन बोलेगा जी जी इनने लिस्ट बनाई है ये गलत है मैं तो पहले तो सर मैंने कोई लिस्ट अभी बनाई नहीं है मैं तो सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूं कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 6 आपको इंडिपेंडेंस को एक्सक्लूड करना ही पड़ता आप सबमिशंस दे सकते हैं आप लिस्टें आप वो चीज नहीं कर सकते नहीं, मैं तो 2024 का 2024 का जो एक्चुअल हुआ है मैंने वो दिखाया ईसीपी ने किया है वो मैं रिकॉर्ड आपके सामने नहीं आप उनसे बनवा तो सकते हैं ईसीपी ईसीपी के अमेरिका में तो नहीं बैठा बैठे हुए कितने इलेक्शन
आसान कर लेना सिकंदर साहब इधर बैठे हैं, ये चीज आप इनसे बनवा लें, आ जाएगी।